भाईचारे का एक संदेश होगा कि इस देश के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा कि हम लोग इस देश के अंदर हमारा सनातन धर्म। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने प्यारे और आपके प्यारे सबके प्यारे श्याप भाई के बारे में। दोस्तों श्याप भाई के बारे में जो मोहित जी हैं वो श्याप भाई के बारे में कह रहे हैं कि जो श्याप भाई के लिए लोग वीडियो डालते हैं वो बहुत ही गलत वीडियो डालते हैं। जो बहुत से चैनल है दोस्तों जो श्याप भाई के बारे में फेक अफवाहें फैला रहे हैं और वो थंबनेल कुछ ऐसे लगाते हैं जिसमें श्याप भाई को पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में बता देते हैं कि वो यहाँ रुके हैं। दोस्तों इस पर श्याप भाई के लिए मोहित जी ने कुछ बातें कही हैं, वो आप बातें सुनाता हूँ मैं आपको। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्याप भाई भी कहते हैं कि जो यूट्यूब पर फेक अफवाहें आती हैं आप उन फेक अफवाहों से बचा करें, और श्याप भाई का ये कहना है कि जो आपको सच्चा लाइव लोकेशन बताता है आप उनसे जुड़ जाएं। दोस्तों तो हमारे चैनल पर श्याप भाई का सच्चा लाइव लोकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहता है, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में हम श्याप भाई का लाइव लोकेशन और उनके जो वीज़े से संबंधित है वो सारी जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक क्लिप सुना देता हूँ, वो क्लिप सुनिएगा आप। उस व्यक्ति ने ना जाने कितने साल से, एक महीना तो उसको सिर्फ इस बात को सोचने में लग गया कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। फिर उसने स्पोर्ट्स भी की, ये भी तैयारी करी, रनिंग की तैयारी करी, फिर कोर्ट के चक्कर काट कर सब जो स्टेट्स हैं जो बीच में पड़ेंगी वहाँ तमाम जो कंट्रीज हैं उनका वीज़ा लिया, उनसे क्या कहते हैं जो है परमिशन ली, और उसके बाद कहीं जाकर शहाब जो है वो अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। शहाब हज की यात्रा करें, लेकिन इसी बीच लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि लोग जो कुछ लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि शहाब पाकिस्तान पहुंच गए हैं अफगानिस्तान पहुंच गए जी, वो इस साल हज नहीं करेंगे, अगले साल हज करेंगे, और अभी वो भारत के अंदर ही हैं, अभी भारत से बाहर भी नहीं निकले हैं। और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं उनको उनकी यात्रा, क्योंकि ये हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता भाईचारे का एक संदेश होगा कि इस देश के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा कि हम लोग इस देश के अंदर हमारा सनातन धर्म सभी की रिस्पेक्ट, सभी का आदर, सभी का सम्मान करना सिखाता है, सभी धर्मों के व्यक्तियों का सम्मान करना सिखाता है। और जिस प्रकार से वो हज यात्रा पर जाकर सिर्फ अपने लिए या मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे भारत देश की अमन चैन शांति के लिए वहां जाके दुआ करेंगे और वो प्रार्थना करेंगे कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में एक बार फिर से भाईचारा कायम हो, देश के नेता जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं इस नफरत पर लगाम लगे, और जो तमाम लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियो बनाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए या टीआरपी गेन करने के लिए जो लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उनको कहीं भी पहुंचा देते हैं, कहीं भी बता देते हैं कि यहां पर रुकेंगे वहां पर रुकेंगे, तो कृपया इस प्रकार की हरकतें ना करें आप लोग। बिल्कुल हजारों की संख्या में जो है और वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों की संख्या में भी कई जगह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग वहां पर एकजुट हो जाते हैं कि भाई कोई एक व्यक्ति है जो पैदल निकल रहा है हज के लिए, तो लोग उनको देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जिस प्रकार से जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो लोग कांवड़ को देखने के लिए जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जो मैं आपको बताऊं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के अंदर जो है वहां पर बड़ी बड़ी कांवड़े आती हैं तो लोग उनको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में एकजुट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब एक व्यक्ति हज के लिए पैदल जा रहा है तो लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं, लोग उनसे कह रहे हैं कि आप जाइए वहां जाकर दुआ करिए इस देश के लिए, इस देश के अंदर शांति कायम हो, इस देश की शांति के लिए, इस देश के लोगों के लिए, भारत देश के तिरंगे के लिए, भारत देश के जवान और भारत देश के किसान के लिए, भारत देश के जो अनाज उत्पादित जो अनाज उत्पन्न करता है भारत देश का किसान उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए, भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम जीव जंतु प्राणी इंसान मानव सभी के लिए आप वहां पर प्रार्थना करिए और भारत देश के अंदर एक बार फिर से जो है शांति और प्रेम और भाईचारा जो है वो कायम हो सके। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कुछ त्योहारों के अवसर पर जिस प्रकार से और देश का जो तिरंगा झंडा है उसको लेकर भी कई जो हिंदू मुसलमान सब लोग हैं वो रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। फिर जब आप देखते हैं कि कांवड़ यात्रा होती है तो कांवड़ यात्रा के समय पे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के हाथ में गुलाब का फूल देते हैं, रामनवमी के अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर कई जगह पर जो है हिंसा तो कई जगह पर होती है लेकिन कई जगह पर प्यार का भी संदेश देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इस देश के अंदर नफरत है तो नफरत इतनी सी है लेकिन प्यार के लिए पूरा हिंदुस्तान है। कुछ समय तक पहले देश में नुपुर शर्मा हो या फिर ज्ञान वापी मस्जिद तो लगातार ऐसे मुद्दे उठते आए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर मुद्दे बिल्कुल उठते आए हैं, निश्चित तौर पर उठ के आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो समाप्त हो गया या कोई समाप्त कर देगा। बिल्कुल ना इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी समाप्त हो सकता था और ना कभी समाप्त होगा। ये देश सभी से चलता है,
ये देश, इस देश के अंदर रहने वाले 133 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई रहने वाले तमाम लोग जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, देश की 133 करोड़ जनता से चलता है, ना कि इस देश के अंदर रहने वाले एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से। इस देश का जो तिरंगा है वो भी सभी लोगों को, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर लेकर चलने की बात करता है। तो मैं शिहाब से मुलाकात करूँगा और उनको जो है फूलों की माला पहनाऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और उनसे यही कामना करूंगा कि जो उनकी यात्रा है उस यात्रा में ईश्वर उनको सफलता प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे कि आपने इस क्लिप में सुना होगा कि जो मोहित जी हैं वो वीडियो में बता रहे हैं कि शिहाब भाई के लिए जो गलत थंबनेल लगाते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपने वो TRP बढ़ाने और अपने सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी खबरें डाल देते हैं, ऐसे थंबनेल लगा देते हैं कि लोग जिन्हें देखकर परेशान हो जाते हैं कि शिहाब भाई यहाँ पहुँचे ही नहीं और शिहाब भाई का ये वीडियो कहाँ से आ गया। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि शिहाब भाई आज भी भारत में ही है, उन्होंने अपने सफ़र को जारी नहीं किया है। और दोस्तों शिहाब भाई का जो आज का करंट लाइव लोकेशन है 10 अक्टूबर 2022, वो दोस्तों उसी आफिया किड स्कूल का, और शिहाब भाई ने वहाँ से अपने सफ़र को अभी जारी नहीं किया है। और दोस्तों जो शिहाब भाई केरला से अपने सफ़र को जारी करने के लिए चले थे उसी दोस्तों आज होते हुए 131 दिन कंप्लीट हो गए हैं, और माशाल्लाह शिहाब भाई अपने सफ़र में बड़ी मेहनत से जारी हैं। और दोस्तों आप उनके लिए दुआ करते रहना कि शिहाब भाई का जो सफ़र है वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो जाए और शिहाब भाई अपने हज को 2023 में कम्प्लीट कर लें। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, दोस्तों चाहे वो कोई से भी धर्म के लोग हो, सब शिहाब भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं, और वो शिहाब भाई के लिए हर समय हर घड़ी सपोर्ट करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप शिहाब भाई के लिए कमेंट में माशाल्लाह लिखते रहा करें, जिससे शिहाब भाई को और हमें भी अच्छा लगे। और दोस्तों शिहाब भाई के लिए आप दुआ करते रहना कि शिहाब भाई का जो सफ़र है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसी तरह की दोस्तों मैं आपको हर तरह के न्यूज़ देते रहता हूँ शिहाब भाई के बारे में कि शिहाब भाई का हर एक दिन का लाइव लोकेशन क्या है। और दोस्तों शिहाब भाई भी यही बताते हैं कि जो आपको सच्चा लाइव लोकेशन देता हो आप उनके चैनल से जुड़े रहा। और दोस्तों शिहाब भाई का सच्चा लाइव लोकेशन हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। और जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लाइव अपडेट के साथ।